हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का बीएचयू पाठशाला चैनल में स्वागत है। दोस्तों, बीएचयू पाठशाला एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि एजुकेशनल वीडियोज और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको प्रोवाइड कराता रहता है। बेसिकली मैं आपको स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लाइक बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ऐसे यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज और एजुकेशनल वीडियोज प्रोवाइड कराता हूँ। और अभी फिलहाल मैं कम्पिटेटिव एग्जाम को भी फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करता हूँ, तो मैं कुछ चीज़ें आपको भी इन्फॉर्म कर सकता हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रहा हूँ, वो टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो कहीं ना कहीं आपकी डिमांड पे है, और वो महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जब किसी कंपटीशन में हम शुरुआत करते हैं तैयारी करने का, या फिर जब हम किसी कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं, मीन्स मेरे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जिस पर मैं बात करने जा रहा हूँ। समझ लीजिए कि जब किसी युद्ध की लड़ाई करने जाना होता है तो हमें क्या चाहिए होता है, या फिर उस सेना नायक को क्या चाहिए होता है, उस आर्मी को क्या चाहिए होता है, हथियार चाहिए होता है। ठीक है, एडवांस से एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हथियार चाहिए होता है जिससे कि उस युद्ध में विनर हो जाए, वो विजयी हो जाए। उसी तरीके से हमारे स्टूडेंट लाइफ में जब हम किसी कंपटीशन में जाते हैं तो हमें विनर होने के लिए हमें सही गाइडलाइन पता होना चाहिए, और हमें सही प्रॉपर नॉलेज मीन्स सिलेबस पता होना चाहिए उस कंपटीशन, उस कोर्स का, और फिर उस कोर्स के अकॉर्डिंग हमारे पास सही किताब होनी चाहिए। ठीक है, बेसिकली मैं बात करने जा रहा हूँ आज कुछ महत्वपूर्ण किताबों में। जब हम किसी कोर्स में जाते हैं, मीन्स कभी कंपटीशन में किसी जाते हैं, तो हर कंपटीशन का अपना एक पार्टिकुलर किताब होता है, उसका पार्टिकुलर सिलेबस होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको किताब प्रीफर किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसी किताबें होती हैं जो कि बहुत ही, मतलब आप बोल सकते हो कि रामबाण, संजीवनी बूटी जैसी किताबें हैं जो कि आप किसी भी कंपटीशन में जाओ आपको पढ़ना मस्ट है। हर कोई सजेस्ट करता है, चाहे यूपीएससी का टॉपर हो, चाहे यूपीएससी का एस्पिरेंट हो, चाहे पीसीएस का एस्पिरेंट हो, चाहे कोई एक अच्छा पढ़ने वाला एजुकेटर हो, मतलब हर एक पढ़ने वाला बंदा उस किताब को सजेस्ट करता है। तो बेसिकली मैं भी आज एक ऐसे ही किताब पे बात करने जा रहा हूँ जो कि आपकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, मीन्स स्टूडेंट लाइफ में तो बहुत ही ज्यादा। उस किताब का नाम है लूसेंट। ठीक है, ये किताब मेरे हाथ में है, मैंने इस पे कवर लगा दी है। खैर, आप लोग भी किताबों पे कवर लगा दिया कीजिए। ठीक है, देखिए ये है, इसकी फ्रंट पेज है। इसमें लैंग्वेज भी आते हैं, हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है, और इसमें दो वैरायटी आती है, एक आती है सब्जेक्टिव और एक आती है ऑब्जेक्टिव। मीन्स एक आता है जो थ्योरी वाले चीजें लाइन वन लीनियर लिखा होता है, और एक आता है वस्तुनिष्ठ, मतलब एक क्वेश्चन होता है उसके चार ऑप्शन होते हैं। बेसिकली मेरे हाथ में वही वाला है, ऑब्जेक्टिव वाला है। ठीक है, मेरे मतलब अलमीरा में दोनों है, कबर्ड में मैंने दोनों रख रखी है ये किताब। बेसिकली दोनों इसलिए मैं प्रीफर करता हूँ क्योंकि आप वन लीनियर पढ़ने के बाद सब्जेक्टिव सॉल्व, ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेते हो तो कहीं ना कहीं वो टॉपिक पूरा क्लियर हो जाता है। अब मैं बात करता हूँ कि ये जो आपकी किताब है ये इंपॉर्टेंस कैसे हो जाती है। देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं बताता हूँ। अभी बेसिकली थोड़ा मोटा बस इंट्रो करा रहा हूँ, मैं बहुत डीप पढ़ाऊंगा कि आपको बेसिकली इसमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे देखिए, इसने क्या क्या इसमें डाल रखा है। इसमें डाला है इसने भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, फिर लिखा है भारतीय राजव्यवस्था मीन्स पॉलिटी, फिर लिखा है भारतीय अर्थव्यवस्था मीन्स इकोनॉमिक्स, फिर भूगोल मीन्स ज्योग्राफी, अगेन कला एंड संस्कृति आर्ट एंड कल्चर, सामान्य विज्ञान मीन्स जनरल साइंस की बात कर रहा है जिसमें ज्योग्राफी बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की बात कर रहे हैं, खेल कूद की बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, फिर विविध मीन्स मैसलेनियस, कहीं न कहीं मतलब इन्होंने पूरा कोम्बो पैक भानुमति का पिटारा तैयार करके रखा है। मीन्स एक किताब में सब कर रखा है, सब डाल रखा है। पहली किताब जब आती थी तो ये छोटा आती थी, इतना बड़ा आता था। अभी ये न्यू ब्रांड है, मतलब न्यू एडिशन है बोल सकते हो, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो आपके पास कोई भी हो, डजंट मैटर, बस डेटा थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे अभी स्टेट बदल चुके होंगे, इस यूटी बदल चुके होंगे, नए स्टेट फॉर्म हुआ, कुछ ऐसे न्यू ट्रीटी हुई होगी, तो चीजें बदल जाती है, तो आप न्यू वाला ले लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये आपकी स्टडी टेबल पे इसलिए होना चाहिए, जैसे मेरे स्टडी टेबल पे इतनी किताबों में ये भी है, वैसे आपकी स्टडी टेबल पे भी होना चाहिए। ठीक है, इसको पढ़ने का तरीका क्या है, पहले आप इसको वन लीनियर वाला पढ़ो, पहले ऑब्जेक्टिव मत आना, पहले क्या पढ़ना, सब्जेक्टिव वाला पढ़ना। कैसे पढ़ना, जैसे एक नॉवेल किताब पढ़ी, जैसे हैरी पॉटर उठाया, कैसे पढ़ रहा था, कंटिन्यू पढ़े चले जा रहे थे, या प्रेमचंद का कोई उपन्यास उठाया, पूरे लगातार पढ़े जा रहे थे। बेसिकली इस किताब को भी ऐसे ही पहले पढ़ना है, एकदम कंटिन्यू, एक पेज से उठाया, टॉपिक वाइज पढ़ते चले गए इसको लास्ट तक। ठीक है, लेकिन फिर मुद्दा आता है कि क्या लूसेंट में सब पढ़ना है, लूसेंट में कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो मैं बीएचयू के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि इस बुक में क्या पढ़ना है। ठीक है, वैसे तो हर कंपटीशन के लिए ऐसे लूसेंट को पूरा पढ़ लेना चाहिए, लेकिन टाइम कम है
और ब्लूसेंट फिर भी उतना ज्यादा सजेस्टेड बुक नहीं मैं बोल सकता क्योंकि बहुत ज्यादा दे रखा है, तो जरूरी है कि हम इसमें से कुछ सेलेक्टेड टॉपिक पढ़े। तो बेसिकली आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि बीएचयू इंटेंस बेसिस पे लूसेंट में क्या पढ़ा जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए गाइस देखते हैं कि इसमें क्या पढ़ा जाना चाहिए। ओके थैंक यू ऑल द बेस्ट, आते हैं फिर इस बुक के स्क्रीन रिकॉर्डर वीडियो पे, थैंक यू। हाँ दोस्तों, तो अब हम लोग सीधे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर चलेंगे जो कि लूसेंट के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर्स या टॉपिक्स होते हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि हिस्ट्री की जब बात करते हैं तो मैं बताता हूँ कि हिस्ट्री बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, मॉडर्न, मिडिवल और फिर एक एंशियंट, ठीक है। तो इस तरीके से तीन भाग में डिवाइड होते हैं, तो यहाँ पे भी ये तीन भाग में डिवाइड करके ही बताता है। देखिए पहला क्या है, प्राचीन एंशियंट की बात कर रहा है यहाँ पे। अब एंशियंट में क्या क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट है, वैदिक इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है धार्मिक आंदोलन इंपॉर्टेंट है, मौर्य काल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फिर गुप्तकाल इंपॉर्टेंट है, फिर ध्यान दीजिए यहाँ पे, फिर क्या है विधि। देखिए एंशियंट हिस्ट्री का विधि मतलब मिसलेनियस की बात कर रहा है, इंग्लिश में भी ऐसे मेंशन होगा वहाँ मिसलेनियस लिखा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसलेनियस तीनों के, जहाँ जहाँ मिसलेनियस है देखिए यहाँ पे एक विधि है और एक लास्ट में यहाँ पे विधि है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। बाकी जितनी भी येलो लाइन है आप इसको सबसे पहले फोकस करके पढ़िएगा, बाकी बीच में आप सूफी आंदोलन, भक्ति, दक्षिण में चोल, ये सब भी पढ़ सकते हो, लेकिन पहले जो येलो लाइन वाला है उसको पढ़ना है हिस्ट्री में, ठीक है। फिर उसके बाद देखे आते हैं पॉलिटी में, भारत की राजव्यवस्था में। इसमें देखिए भारत का संवैधानिक इतिहास, सभा, प्रस्तावना, प्रियम्बल, संविधान की विशेषताएं, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के भाग, ठीक है, फिर शेड्यूल, अनुसूची, अनुच्छेद, आर्टिकल, फिर संघ है उसके क्षेत्र, ये भी पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे एक है क्या है, सिटीजनशिप, नागरिकता, मूल अधिकार, नीति तत्व। देखिए ये सभी जितने भी येलो वाले हैं पहले इनको कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है, उसके बाद जैसे निर्वाचन आयोग भी एक इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए बहुत सारी चीज़ों को मैं उसी जगह पे दूसरे जगह, जैसे कि पंचायती राज है, तो इसको मैं शेड्यूल में ही लेके चल रहा हूँ कि आप जब शेड्यूल पढ़ोगे तो पंचायती राज उसमें जुड़ा हुआ है तो वहाँ पे आप पढ़ लोगे। तो मैं जैसे राजनीतिक दल है तो राजनीतिक दल को मैं मानता हूँ शेड्यूल में, आप वो जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसमें आप दल बदल कानून में आप उसको पढ़ लोगे। तो इस तरीके से मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पे आप रिलेट कर लोगे, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं घुमाया फिरा, आप जो येलो लाइन है उसको पढ़ लेना, ठीक है। फिर आते हैं अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था मैंने कहीं पे येलो लाइन नहीं किया है, आपको ये पूरा ही पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 10 पेज से भी कम निकल के आएगा, अब इसको पूरा पढ़ लेना, ठीक है। फिर ज्योग्राफी की बात करते हैं, देखिए ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो पहले ज्योग्राफी में हम लोग नीचे चलेंगे, पहले ऊपर नहीं, पहले इंडियन ज्योग्राफी, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिशन में इंडियन ज्योग्राफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो भारत के पर्वत, दर्रे भी पढ़ सकते हो, नदियाँ इंपॉर्टेंट हैं, नदियों किनारे शहर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत की नदियों बांध मोस्ट इंपॉर्टेंट, झीलें मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाटरफॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए क्या है, फिर उसके बाद है भारत में वन, वनस्पति, जैसे कि कितने परसेंट वन है, कौन सा स्टेट पहले नंबर पर, ये सब, ठीक है। फिर उसके बाद है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, भारत की मिट्टी, सॉयल, कौन सी सॉयल, कितने प्रकार की सॉयल होती है, बांगर खादर हो गया, इसमें कौन सी सॉयल जो होती है ज़्यादा उपजाऊ होती है, कौन से एरिया में कौन सॉयल पाई जाती है, ठीक है। भारत की कृषि जैसे जायद, खरीब, ये सब है, तो इसमें कौन सी फसल होती है, कॉमर्शियल क्रॉप कौन सा है, ये सब चीज़ें। भारत का ऊर्जा संसाधन, खनिज संसाधन, उद्योग, भारत की परिवहन व्यवस्था, जनसंख्या, भारत की जनजातियाँ, बस ध्यान रखिएगा जनसंख्या जब पढ़िएगा तो अभी लेटेस्ट में हमारे पास जनसंख्या 2011 का है, तो क्वेश्चन 2011 से ही पूछा जाएगा, तो 2011 वाला पढ़िएगा। और जनजाति, कौन से स्टेट में कौन सी जनजाति पाई जाती है, किस कौन सा जनजाति का क्या प्रॉपर्टी है, थोड़ा मोटा पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं कला एवं संस्कृति में, जितने भी येलो लाइन है पहले उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बाकी भी आप पढ़ सकते हो, येलो लाइन वाला पहले पढ़ लीजिएगा। मैंने साइंस में कहीं येलो लाइन नहीं लगाया है, इसका मतलब यह है कि साइंस का मैं अलग से एक वीडियो प्रिपेयर करूंगा जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूंगा। वैसे तो जो हिंदी भाषी हैं उनको ये पूरा ही लगभग पढ़ लेना चाहिए, कहीं ना कहीं ज़्यादा फोकस आप लोग बायो वाले पे कीजिएगा, ए वाले, बायो वाले, क्योंकि किसी भी कंपटीशन में बायोलॉजी वाले ज़्यादा आते हैं, और वैसे भी साइंस हमेशा यूज ऑफ एप्लीकेशन से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। ये खेलकूद वाले मैंने कुछ नहीं लगाया, क्योंकि खेलकूद आपको पूरा ही पढ़ लेना है, ये इंपॉर्टेंट होता है। जनरली खेलकूद को हमेशा करंट अफेयर से रिलेट करके पढ़िएगा, ठीक है। जो भी ऐसे इस बार तो कोरोना वाले की वजह से ज़्यादा करंट अफेयर्स स्पोर्ट्स से नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा पीछे जाके पढ़ लीजिएगा लगभग अक्टूबर से लेके, ठीक है। विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पूरा पढ़ लीजिएगा।
ये पूरा पढ़ लीजिएगा, प्रस ये क्या बोलते हैं सिंबल हो गया, राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये पूरा पढ़ना है, पूरा इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट। इस तरीके से मैंने लूसेंट के कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट्स आपको बता दिए, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और लूसेंट की मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव वाले में मैं पूरा कराऊंगा। चैनल पर बने रहिएगा। सो चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, डू लाइक एंड डू शेयर, और मैं कराने वाला हूँ पूरा लूसेंट आप इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।